कई फिल्मां हुंदियां ने हैवी जिहड़ियां तुहानूं दिमाग दे घोड़े दौड़ाउण ते मजबूर करदियां ने, ते कई इहो जिहियां हुंदियां ने जिहड़ियां कहिंदियां ने दिमाग नूं कढ के साइड ते रख दो ते 2 घंटे बस चिल करो, इह टाइम तुहाडा हसण खेडण दा है। एंड कदे कदे तां इह वी कर ही लैणा चाहीदा है ना। राकेश तवंदी लिखी ते डायरेक्ट कीती गई इस फिल्म विच्चों तुसी सेंस या लॉजिक ते एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर उम्मीद रखते हो बहुत सारे ठहाकियां दी। एंड अपने 2 घंटियां दे रन टाइम दे दौरान फिल्म अन्नी दिया मजाक है उसकी रेगुलर सप्लाई करती है। इस तो पहला हौसला रखते चल मेरा पुत वर्गियां फिल्मां लिख चुके राकेश तवन जदों जदों आउट एंड आउट कॉमेडी लैके आउंदे ने ते तुहानूं निराश नहीं करदे, पर जिथे गल सीरियस सबजैक्ट्स दी आउंदी है ते आजा मैक्सिको चलीए ते मित्रां दा नां चलदा वर्गियां फिल्मां दे विच उहनां दी स्ट्रगल दिसदी है। पर चंगी गल इह है वी इस फिल्म दे विच उहनां ने कोई वी सीरियस गल करन दी कोशिश नहीं कीती। बस एक बार जो राजा यानी कि एमी विर्क अपनियां अखां गवा बैठते हैं उस तो बाद ये फिल्म अपना जॉनर पूरी तरह कॉमेडी रखती है। एंड यही चीज फिल्म के पक्ष में भुगतती है। पंजाबी फिल्मों की कॉमेडी प्रिडिक्टेबल हो गई है, आप चढ़ते तो लेंदे पंजाब के कमेडियन इकट्ठे कर लेंगे हाँ, प्लॉट वीक हुंदा है, सिचुएशंस ढिल्लियां हुंदियां ने, आपां सिर्फ उन्हां कमेडियंस दी स्ट्रेंथ ते खेडण दी कोशिश करदे हां, इसलिए फिल्मां नहीं लगदियां। पर अन्नी दिया मजाक फिल्म दे विच एक स्ट्रोंग प्लॉट है, फिल्म दे विच वख-वख मोड आउंदे ने, आपां ज़्यादा कैरेक्टर्स इकट्ठे नहीं कीते पर जिन्ने भी कीते उन्हां दा सही इस्तेमाल हुंदा दिसदा है। पर फिल्म दी राइटिंग दे विच एक कमी ये दिसदी है भी फिल्म अपने प्लॉट दे विच एक लेयर ऐड करदी है भी फिल्म दे विच आ भी होएगा, पर उस स्टार्ट कीते गए इशू नूं फिल्म छेती ही भुल के अगले ते शिफ्ट हो जांदी है। दर्शक वेट करदे रहिंदे ने भी उहदे बारे तां हुण कोई गल ही नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल राजा यानी कि एमी विर्क जदों यूके जाता है तो उसकी सब तो पहला प्रायोरिटी यह होती है भी मैं अपनी अखां का इलाज कराना है, वह अपने जीजे नूं सारी रात सौण नहीं दिंदा भी कितने आपां लेट ना हो जाइए। पर थोड़ी देर बाद फिल्म इस तो हट के अपनी लव स्टोरी दे वल गवा जाती है एंड अखां का इलाज कितने पिछे ही रह जाता है। एक लव स्टोरी वाली फिल्म दे विच लव वाले एंगल नूं इन्ना टाइम देना बनता है, बट जो तुहानूं पता है भी लोकी लव स्टोरी विच कट ते तुहाडी फिल्म दे दूजे मसलियां दे विच ज़्यादा इंट्रस्टिड ने एंड तुहाडी फिल्म दी जदों टोन कॉमेडी है तुसीं किन्ना भी जोर ला लो वह लव स्टोरी उन्नी जेन्युइन नहीं लगेगी, उस ते ज़्यादा टाइम दे के तुसीं अपनी फिल्म नूं होर लंबा करदे हो। 2 घंटियां तों वध इस फिल्म दे विच बहुत सारे एडिटिंग इशूज नज़र आउंदे ने। इस गल दे विच कोई दोराए नहीं भी फिल्म तुहानूं बहुत सारियां थावां ते बहुत ज़्यादा हसण दे मौके दिंदी है, पर विच विच तुहानूं साह लैण दे अवसर भी मिलदे ने। चंगी एडिटिंग दे नाल उस साह लैण दे मौकियां नूं कट कीता जा सकदा सी, फिल्म थोड़ी होर क्रिस्प हुंदी ते ज़्यादा मज़ा आउंदा। पनीर भी पिया, मेरा ना पनीर बहुत फेवरेट है जी, घर भी मैं बहुत पनीर खाना है। आ पनीर थोड़े है, ये तो पास्ता है। फिल्म दे एक्टर्स दी गल करिए ते नाज़िर चिन्यूटी ते इफ्तिखार ठाकुर नूं क्योंकि आपां बहुत सारिया फिल्मों के उही सेम चीज बार बार करते वेख लिया है, इसलिए हुण उन्हां दी कॉमेडी प्रिडिक्टेबल हो गई है, उहदे विच सरप्राइज एलीमेंट नहीं हैगा। पर राकेश तवन ने इन्हां दोनों ही एक्टर्स नूं कहानी का हिस्सा बनाया है, उन्होंने खुले नहीं छड्डिया भी जो मर्जी करो, एंड यही चीज फिल्म लई वर्क करती है। सो हसाण दा सारा काम सिचुएशन दा है, सिर्फ उन्हां दा नहीं, एंड ओह इन्हां सिचुएशन दे विच बहुत वधिया तरीके नाल जैल हुंदे ने। बाकी इन्हां दोनों एक्टर्स की कॉमेडी हुण उन्नी प्रभावशाली ना लगना ये मेरा सबजैक्टिव ओपीनियन हो सकता है, उही बंदा शायद किसी नूं फनी लगे तो किसी दूजे बंदे नूं नहीं, पर जिहड़े एक्टर की कॉमेडी बारे किसी नूं कोई शक नहीं होना चाहिए उन्हें दीदार गिल जो कि इस फिल्म का सब तो बेस्ट पार्ट निकल के नज़र आए हैं। उन्होंने कॉमेडी के एक अनप्रडिक्टेबिलिटी है, तुहानू नहीं पता लगता भी हुण ये नैक्सट बंदा की बोलते तो तुसीं अपना ढिड फड़ लो, एंड यही खूबसूरती है दीदार गिल की। फिल्म दे विच बहुत सारे थावां ते डबिंग इशूज नज़र आउंदे ने, पिछों आउण वाली आवाज़ कलाकारां दे लिप्स दे नाल मैच नहीं हुंदी। एमी विर्क अपनियां बहुत सारियां फिल्मां दे वांग इत्थे भी उही करदे ने जिस लई उह जाने जांदे ने। हालांकि परी पंदेर दे काम विच बहुत सारी इंप्रूवमेंट दी लोड़ दिसदी है, पर क्लाइमैक्स दे कुछ सीन्स दे विच उहनां दी स्पार्क जरूर नज़र आउंदी है, थोड़ी होर मेहनत ते शायद ये कलाकार कितें भी पहुँच सकती है। बाकी दे एक्टर्स दे विच्चों ऑलवेज रिलायबल निर्मल ऋषि, हरदीप गिल ते जिहड़े एक्टर ने परी पंदेर दे चाचे दा कैरेक्टर प्ले कीता है सब कमाल दा काम पेश करदे नज़र आउंदे ने। फिल्म दी राइटिंग दे विच बहुत सारे सरप्राइज एलीमेंट ऐड कीते गए ने, पर ओह ट्विस्ट पेपर ते जिन्ने स्ट्रोंग लगदे ने जदों ओह फिल्म दे विच नज़र आउंदे ने ते उहनां दा दम थोड़ा घट हो जांदा है,
पर इन्हां सारियां कमियां दे बावजूद जिहड़ी चीज कंसिस्टेंट रहिंदी है वह यह है भी फिल्म तुहाडे चेहरे तो समाइल नहीं जाण दिंदी। फिल्म दे विच बहुत वार तुहानू मठा मठा हसण दे मौके मिलदे ने ते बहुत वार अपना मूंह ते ढिड खोल के हसण दे। एक अन्ना बंदा एवें किवें कर सकता है, अन्ने बंदे ने आ किवें कर लिया, जे तुसीं इह सब सोचण लग गए ते शायद तुसीं फिल्म नू इंजॉय ना कर पाओ। पर जिवें कि मैं पहलां वी दस्सिया कि फिल्म तुहाडा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मंगदी है, तुहानू अपने दिमाग नू थोड़ा रेस्ट देना पएगा इस फिल्म नू पूरी तरह इंजॉय करन लई। पंजाबी फिल्मां दे दर्शकां दी एक नवी प्रॉब्लम हुण इह देखण नूं मिल रही है भी आपां फिल्मां नूं उहनां दी क्वालिटी दे बेसिस ते नहीं बल्कि उहनां दे सबजैक्ट दे बेसिस ते जज कर रहे हां। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੀਜੋਟਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪ ਨੌਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਫਿਲਮ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਲੋਕਲ।